झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संकल्प पत्र तैयार करने के लिए आम जनता से सुझाव मांग रही है। इसके तहत जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के बिंदा पाथर में बीजेपी घोषणा पत्र सुझाव अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महामंत्री ने बताया कि व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से राज्य के संपूर्ण विकास के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। उसके अलावा गैस सिलेंडर से लेकर कई कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों के हित में काम की। अच्छा, हमारा हम सरकार बनाएंगे। हम लोकसभा के चुनाव में 52 सीटों पर बढ़त बनाए हैं और बहुमत के लिए 41 चाहिए, तो हम तो बहुमत से 10 सीट आगे हैं। हम प्रयास करेंगे इसको और आगे ले जाए और आप देखिएगा अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार बनेगी और हम लोग इस लक्ष्य को लेकर के काम भी कर रहे हैं। जनता का अपार प्रेम और स्नेह भी मिल रहा है। जिस तरह से इस सरकार ने जो 5 साल लोगों को ठगने का काम किया, चाहे वो गरीबों को नौजवानों को नौकरी 5 लाख देने का बात हो हर एक साल, या महंगाई भत्ता पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट को 5,000-7,000 भत्ता देने की बात रही हो, किसानों का ऋण 2 लाख तक माफ करने का बात रहा हो, उनका वादा रहा है बिजली फ्री देने का, किसानों का 72,000 रुपये हर एक परिवारों को देने का जो उनका वादा रहा, ऐसे कई अनेक वादा रहा है। एक वादा ये सरकार पूरा नहीं की है, एक वादा सरकार पूरा नहीं की। सरकार पूरे 5 साल लूट में लगी रही, ट्रांसफर पोस्टिंग बालू कोयला लोहा यही करती रही है सरकार। ये भ्रष्ट सरकार से जनता उठ चुकी है और जनता विदाई के लिए तैयार है। हम जनता के सहयोग से इस सरकार बनाएंगे और इसी के लिए हम लोग घोषणा पत्र का जो जारी करेंगे वो जनता के सहयोग।